सैलरी पे आउट, फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय की जॉब की पे आउट आपकी कब आती है, कितनी आती है, कैसे कैसे आती है, वीकली आती है, 10 डेज में आती है और मंथली आती है, तो आज की वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय की जो सैलरी है वो आपकी 7 तारीख को आती है, हर 7 तारीख को महीने की आ जाती है, और वो आती है जिसकी फिक्स सैलरी होती है ना उसकी आती है। उसके बाद जो भाई पैकेट्स पे फ्लिपकार्ट में काम कर रहा है, पैकेट्स डिलीवरी करके पर पैकेट के हिसाब से, तो उसको हर 10 दिनों में पे आउट उसको मिलता है, 7 तारीख को, 17 तारीख को, 27 को, फिर से 7, इस तरीके से शेड्यूल होता है इसका, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है पे आउट का। और पेट्रोल का भी इसी तरीके से, अगर आप सैलरी बेस पे काम कर रहे हो तो आपका पेट्रोल का खर्चा है जो, वो भी आपका 7 तारीख को, 10 तारीख को, 27 को, फिर 7 को, तो इस तरीके से आता है। अब जैसे मान के चलो आपको 10 दिनों में एक दिन के मान के चलो 40 पैकेट डिलीवरी करने का आपको मिले हैं, तो 10 दिनों के 400 को आपका जो रेट है 19 है, 14 है, 11 है, 12 है, जितना भी है, 14 रुपये के हिसाब से 1456, तो आपका 10 दिन का पे आउट है तो 5600 रुपये आएगा, इस तरीके से पे आउट इसका आता है। और फिर नेक्स्ट मूव, जब आपका अब आपने 400 पैकेट डिलीवरी कर लिया, उसके बाद आप शायद 500 भी कर लो या फिर 300 कर लो, आप जितने भी करोगे उतना ही पे आउट आपका 10 दिनों में आएगा जो बंदा पैकेट्स पे है। और मेरे ख्याल से जो वीडियोस मैं आपको बना के दे रहा हूँ, ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होंगी फ्लिपकार्ट की डिलीवरी बॉय की जॉब पाने के लिए, उसे अच्छे ढंग से करने के लिए। अगर आपको हेल्पफुल है तो वीडियो को क्लैप करें। थैंक यू दोस्तों।